नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे, जहां कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की। जब पत्रकारों ने आजम खान से सवाल किया कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो इस पर आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी, वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बंबई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हम। लुलू वाले बयान पर आपके पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है, इस बार पैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो उसमें अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा कुरान, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप, मुझे पढ़ाइए किसी दिन। सहारनपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर के आप नेता योगेश दहिया के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने अपने चंद पूंजीपतियों को मालामाल करने के लिए देश में भयंकर मारामारी का माहौल बनाया हुआ है। आज न कारोबार है न रोजगार है, और महंगाई का आलम तो यह है कि वो महिषासुर की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 20% करने पर एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ का फायदा चंद पूंजीपतियों को हुआ है। पिछले कुछ सालों में 11 लाख करोड़ का टैक्स उन्होंने चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। दूसरी तरफ आम आदमी के लिए आटे पर, दूध पर, हर चीज पर टैक्स वो बार बार बढ़ाए जा रही है। गाजीपुर में फरार बदमाश ने गले में माफी की गुहार लगाई, तख्ती लगाकर एसपी ऑफिस में खुद को सरेंडर किया। बता दें कि बदमाशों के खिलाफ गाजीपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद बदमाश अब खुद सरेंडर कर रहे हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे बदमाश ने कभी अपराध न करने की कसम खाई है। क्योंकि लूट का मन अपराधी था, वो आज पुलिस ऑफिस में आके उसने आत्मसमर्पण न किया है। विधिक कार्रवाई जो है वो न प्रॉपर तरीके से न की जा रही है। उम्र उसने अपनी लगभग 19 साल न बताई है। इसमें और सघनतापूर्वक जो है वो पूछताछ इंटरोगेशन जो है वो किया जाएगा। किस मामले में सर वांछित था ये? देखिए ये लूट के मामले में एक वांछित था, थाना भावरकोल का ये मामला था और उसमें वांछित था, इसको ढूंढा जा रहा था। उसने आज पुलिस ऑफिस में आके आत्मसमर्पण किया। मेरठ के थाना अपरतारपुर में एटलस मंडप में हो रही सामूहिक निकाह समारोह में उस वक्त खलबली मच गई जब पुलिस ने पहुंचकर निकाह को रुकवा दिया। बता दें कि नाबालिग युवतियों के निकाह की सूचना पर पुलिस ने मंडप पर छापेमारी की, जिसमें 15 नाबालिग युवतियों को निकाह मुस्लिम एनजीओ और परिवार की सहमति से किया जा रहा था, जिसके बाद सभी नाबालिग युवतियों के कागजों की पुलिस जांच कर रही है। बिजनौर में बच्चों को बधुआ मजदूर बनाने का मामला सामने आया है, जहां समाज के ठेकेदार पिकअप में बैठकर बच्चों को जंगल ले जा रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन में सवार होकर जा रहे बधुआ मजदूरों को पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने झारखंड से आए 3 ठेकेदारों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लगभग 2 बजे के आसपास मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि नूरपुर की तरफ से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी आ रही है, जिसमें कुछ बच्चे लाए जा रहे हैं, जिनसे कि बाल श्रम कराया जाना या उनकी खरीद फरोख्त संबंधी कार्य होना है,
इस सूचना पर हमारे एएसटीयू थाने के प्रभारी, बाल संरक्षण अधिकारी, इन सब के नेतृत्व में घेराबंदी की गई तो कृष्णा कॉलेज बिजनौर नूरपुर रोड से इनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसमें 12 अवयस्क बच्चे, 12 वयस्क लोग, 3 झारखंड के इसमें रहने वाले जो कि लेके आ रहे थे, इन सब की गिरफ्तारी की गई। आगरा के ताजनगरी फेस वन में कारगिल युद्ध बलिदानी श्यामवीर सिंह के घर देर शाम हुई दुस्साहसिक लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनसे लूटा गया सामान और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद किया है। थाना कोतवाली में मंडे को एक घटना हुई थी, उस घटना में 40 लाख रुपए कैश लूटा गया था। उस घटना में भी एसएसपी आगरा के नेतृत्व में आगरा पुलिस के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। पहले उस घटना का खुलासा करते हुए 4 मुलजिमों को जेल भेजा गया था, जिनके पास से करीब 8 लाख रुपए कैश रिकवर हुए थे। उसी पूछताछ के सिलसिले में, उसी पूछताछ के द्वारा आगे बढ़ते हुए उसमें आगे भी 6 और अभियुक्त पकड़े गए हैं और इन अभियुक्तों के पास से करीब 7 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है। इस प्रकार से उस घटना में अभी तक कुल 15 लाख रुपए कैश रिकवर हो चुका है और बाकी जो शेष मुलजिम हैं उनके खिलाफ पुलिस की सघन और प्रभावी कार्रवाई जारी है। फरुखाबाद में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर किनारे लगे शिलान्यास पट से टकरा गई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की जान चली गई। सूचना पर पहुंची मऊ दरवाजा पुलिस ने 2 थानों की बॉर्डर सीमा पर शव पड़े होने पर देखकर वापस हो गई, जहां थाना मऊ दरवाजा पुलिस की लापरवाही सामने आई है। ये पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। ऋषिकेश में एक बस के पलटने से लगभग 60 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस बलिया से आई थी, जिसमें 65 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं घायलों को राजकीय चिकित्सालय और गंभीर घायलों को एम्स भेज दिया गया है। सितारगंज में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन की गलत टिप्पणी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर एकत्र होकर कांग्रेस की जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी और अधीर रंजन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोनिया को देश से माफी मांगनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की महिला नेत्री साध्वी प्राची को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद आज प्राची ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी भाषा में ही लिखा हुआ धमकी भरा पत्र साध्वी प्राची को मिला था, जिसे बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को दी गई धमकी से जोड़कर इस धमकी को भी देखा जा रहा है। हाँ, मुझे 21 जुलाई को सुबह हमारे आश्रम पर एक लेटर मिला है और उसमें जान से मारने की, जो कि पाकिस्तानी भाषा पास्तो भाषा में लेटर है, उस बारे में भी मैंने बात की है। तो वही है, क्योंकि उसमें सर तन से जुदा और योगी जी का भी नाम है और उसमें इस तरह नूपुर शर्मा की आवाज़, क्योंकि हमने जो नूपुर शर्मा ने कहा है वो सच है या तो इनकी किताब झूठ बोल रही है। बहस करिए ना खुले मंच पर, साध्वी प्राची तैयार है, या तो किताब इनकी झूठ बोल रही है, नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इनकी किताब में। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।